बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विरसा के ग्राम जगला के किसान गोवर्धन पटेल ने काला चावल का उत्पादन कर जिले के किसानों को नई राह दिखाई। जिला प्रशासन अब गोवर्धन के खेत में तैयार किए गए काले चावल को नेशनल पार्क से लगे रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। गोवर्धन पटेल ने बताया कि काला चावल हृदय रोग, मधुमेह, अल्जाइमर और कैंसर के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है। अपने इन्हीं गुणों के कारण ब्लैक राइस बहुत महंगा बिकता है। जो आपने अभी ब्लैक राइस का जो मतलब उत्पादन किए, आपके मन में कैसे विचार आया? हमारे मन में सर, प्रथम मैं वैसे काफी आयुर्वेद साइंस से, मैंने आयुर्वेद रत्न किया हूँ और मैं प्रैक्टिस करते रहा हूँ विगत 15-20 साल से, और साथ में और CMCLDP मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में चित्रकूट विश्वविद्यालय अंतर्गत मेंटर रहा हूँ, तो मेरा विषय भी रहा है ग्राम विकास की समस्याएं मुद्दे, और मैं स्वयं डायबिटीज मधुमेह का रोगी हूँ और हृदय भी मेरा कमजोर रहता है, जिससे ऐसा हाइजीनिक फूड यदि उत्पन्न हो जाए तो मुझे खाने में खरीदने में महंगा पड़ता है, इसलिए मैं उत्पादन के लिए किसान होने के नाते ऐसा सोचा, और मैं अभी वर्तमान में किसानी के साथ साथ BSW कक्षा में हर रविवार पढ़ाने शासकीय उत्कृष्ट स्कूल जाता हूँ। गौरतलब है कि ब्लैक राइस 265 प्रति किलोग्राम बिक रहा है, अगर इसकी बेहतर पैकिंग हो जाए तो यह 300 से 600 के दाम पर बिक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, बालाघाट।